आज हम कवर करने वाले हैं पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सयार नेट जीआरएफ से। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने 2020 के पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चंस एंड पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके टिप्स, कैसे ऑप्शंस को फिल्टर आउट कर सकते हैं, वो सब बताया। सो इफ आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, एंड सीरियसली पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो में बहुत सारे टिप्स बताए हैं कैसे हम बहुत ईजली सिर्फ ऑप्शन को देख के ही, पेडिग्री को देख के ही अपने कुछ ऑप्शंस फिल्टर आउट कर सकते हैं। देन इस वीडियो पे आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेडिग्री एनालिसिस के। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गिवन है, फॉलोइंग आर फोर मोड ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे फोर मोड्स गिवन है एंड उनका पेडिग्री गिवन है। अब हमें बताना है कि ये पेडिग्री किस किस मोड के लिए पॉसिबल है। सेम हम वही टिप्स अप्लाई करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। एक्सलिंक रिसेसिव, एक्सलिंक रिसेसिव में हम क्या देखते हैं, एक्सलिंक रिसेसिव में हम देखते हैं मदर सॉन रिलेशनशिप। मदर अफेक्टेड है तो सॉन भी अफेक्टेड होगा ही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे मदर कहाँ अफेक्टेड है, मदर यहाँ अफेक्टेड है, बट इनका जो सॉन है वो अफेक्टेड नहीं है। मदर में डिजीज है, मदर अफेक्टेड है बट सॉन अफेक्टेड नहीं है, सॉन में डिजीज नहीं है। इट मीन्स एक्सलिंक रिसेसिव पॉसिबल ही नहीं है इस पेडिग्री के लिए। मीन्स जो मैंने टिप्स बताई हैं उनको आप बिल्कुल आग बंद करके उनके ऑप्शंस को बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए। ओके, सेकेंड आता है हमारा, सेकेंड आता है एक्सलिंक डोमिनेंट। यहाँ पे हम देखते हैं फादर डॉटर रिलेशनशिप। ओके, फादर अफेक्टेड है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि डॉटर अफेक्टेड ना हो, और आपको रीजन भी बताया था ऐसा क्यों होता है लास्ट वीडियो में। फादर अफेक्टेड है तो हो ही नहीं सकता कि डॉटर अफेक्टेड ना हो। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फादर अफेक्टेड है, डॉटर अफेक्टेड नहीं है, डॉटर अफेक्टेड नहीं है। इट मीन्स हमारा एक्सलिंक डोमिनेंट भी पॉसिबल नहीं है, एक्सलिंक डोमिनेंट भी पॉसिबल नहीं है। ए और बी ऑप्शन तो हमारे हो जाते हैं रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सी एंड डी ऑप्शन। सी एंड डी ऑप्शन आता है, यहाँ पे देखिए हम तो यहाँ पे ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया है क्योंकि उसमें ए गिवन था, बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया है क्योंकि उसमें बी गिवन था। अब सी एंड डी में हमारा सी एंड डी गिवन है और डी गिवन है, इन दोनों में डी गिवन है तो ऑब्वियसली डी तो सही होगा ही होगा। हमें सी चेक करना है, सी चेक करना है, सी चेक कर लेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। सी है हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव, क्या ये पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव होगा या नहीं होगा, चेक करते हैं अप्लाई करके। ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब क्या है, हमारा जो हमारा कैपिटल ए होगा उसमें डिजीज नहीं होगी बट जो हमारा स्मॉल ए होगा उसमें डिजीज होगी। ओके, अब ये हमारा इसमें डिजीज है तो ऑब्वियसली ये स्मॉल ए ही होगा, यहाँ डिजीज नहीं है तो ये कैपिटल ए भी हो सकती है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकती है। ओके, अब यहाँ डिजीज है तो ये स्मॉल ए होगा, एक स्मॉल ए मदर से आएगा, एक फादर से आएगा, फादर से तो आ जाएगा इजली, मदर से कब आएगा जब कैपिटल ए नहीं होगा, ओनली कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, तो इट मीन्स यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, तो हमारा ये भी पॉसिबल है। डिजीज नहीं है इट मीन्स कैपिटल ए स्मॉल ए होगा या कैपिटल ए होगा, कैपिटल ए तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, कैपिटल ए स्मॉल ए पॉसिबल है, कैपिटल ए हमारा मदर से आएगा, स्मॉल ए फादर से आएगा। ओके, अब यहाँ पे भी हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए होगा एंड यहाँ पे हमारा स्मॉल ए होगा, सब कुछ पॉसिबल है। अब इनके जो इंडिविजुअल्स हैं, इनके जो ऑफस्प्रिंग है वो हमारा स्मॉल ए होगा, वो पॉसिबल है क्या, यस, एक हमारा स्मॉल ए फादर से आ जाएगा, एक मदर से आ जाएगा, दोनों पॉसिबल है। यहाँ पे हमारा डिजीज नहीं है तो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, दोनों पॉसिबल है, कैपिटल ए हमारा फादर से आ जाएगा, स्मॉल ए मदर से आ जाएगा। इट मीन्स ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए ये पेडिग्री बिल्कुल करेक्ट है, ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए पेडिग्री बिल्कुल करेक्ट है एंड सी के लिए करेक्ट है। डी तो हमें ऑप्शन में गिवन ही है, दोनों ही ऑप्शन में, इट मीन्स हमारा सी करेक्ट है, सी में हमारा दिया है सी एंड डी, दोनों करेक्ट। इफ आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, आप सोच रहे हैं कि डी पता नहीं सही है या नहीं, तो आप डी को भी अप्लाई करके देख सकते हैं। चलो एक बार अप्लाई करके देखते हैं डी को भी। डी का, डी में दिया है ऑटोसोमल डोमिनेंट, इट मींस इसमें डोमिनेंट में डिजीज होगी और स्मॉल में डिजीज नहीं होगी, डोमिनेंट में डिजीज होगी, स्मॉल में डिजीज नहीं होगी। इट मींस यहां पे हमारा डिजीज है, इट मींस ये कैपिटल ए होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, बट ये ओनली स्मॉल ए ही होगा, यहाँ पे डिजीज नहीं है। इफ यहाँ पे कैपिटल ए एक में भी होता तो हमारा डिजीज आ जाती। ये हमारा होगा कैपिटल ए स्मॉल ए। अब कैपिटल ए तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक मदर से आना है, एक फादर से आना है, मदर के पास कैपिटल ए है ही नहीं,
तो इसको तो हम बिना देखे क्रॉस कर देंगे, ये हमारा कैपिटल है स्मॉल ए होगा, ये हमारा स्मॉल ए स्मॉल ए होगा, वो भी पॉसिबल है, क्योंकि ये यदि हम क्रॉस कर दें तो एक स्मॉल ए हमारा मदर से आ जाएगा, एक स्मॉल ए मदर से आ जाएगा, एक स्मॉल ए फादर से आ जाएगा, ये हमारा होगा स्मॉल ए होगा, ये भी पॉसिबल है, ये हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, ये भी पॉसिबल है। अब इनके ऑफस्प्रिंग देखें तो ये हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, वो भी पॉसिबल है, ये हमारा स्मॉल ए होगा, वो भी पॉसिबल है, क्योंकि स्मॉल ए आ जाएगा फादर से, स्मॉल ए आ जाएगा मदर से, एंड इसमें हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, कैपिटल ए आ जाएगा हमारा मदर से, एंड स्मॉल ए आ जाएगा हमारा फादर से, तो इट मीन्स ये भी हमारा पॉसिबल है। तो हमारा क्या करेक्ट है आंसर, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें सी एंड डी दिया है। इट मीन्स ये पेडिग्री हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए भी सही है, ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें हमें 4 के 4 ऑप्शन अप्लाई नहीं करने पड़े, क्योंकि हमारे पास टिप्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग पेडिग्री चार्ट शो इनहेरिटेंस ऑफ अ गिवन ट्रेट, द ट्रेट कैन बी कॉल्ड, ये हमें पेडिग्री दिया है, हमें ट्रेट बताना है। पहले हम ऑप्शन फिल्टर आउट करते हैं। एक्स लिंक डोमिनेंट तो हमें पता है, फादर एंड डॉटर रिलेशनशिप है, फादर में है डॉटर में नहीं है, इट मीन्स हमारा ये क्रॉस हो जाएगा। ओके, सेक्स लिमिटेड तो होगा ही नहीं, सेक्स लिमिटेड का मतलब क्या है कि एक ही सेक्स में हो सकता है, दूसरे सेक्स में नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। अब ऑटोसोमल रिसेसिव एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट को चेक करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, हमें इन दोनों को अप्लाई करके देखना ही पड़ेगा। ओके, पहले हम ऑटोसोमल डोमिनेंट अप्लाई करके देखते हैं, मींस डोमिनेंट में हमारा डिजीज है, रिसेसिव में हमारा डिजीज नहीं है, डोमिनेंट में डिजीज है, रिसेसिव में नहीं है। तो डोमिनेंट में डिजीज है तो ऑब्वियसली डोमिनेंट में डिजीज है, तो ये हमारा ये दोनों हो सकते हैं, ये भी हमारा ये दोनों हो सकते हैं। ओके, ये भी हमारा ये दोनों हो सकते हैं। अब इफ हम ऑफस्प्रिंग को देखें तो ऑफस्प्रिंग में डिजीज नहीं है, तो ऑफस्प्रिंग स्मॉल ए होगा, मतलब हमारा एक स्मॉल ए फादर से आ रहा है, एक मदर से आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसको तो क्रॉस कर दीजिए कैपिटल ए को। मींस एक स्मॉल ए फादर से आएगा, एक मदर से आएगा, हो जाएगा ये भी। अब इसमें हमारा डिजीज है तो कैपिटल ए स्मॉल ए, बट इफ हम इनके ऑफस्प्रिंग पे जाएं तो यहाँ पे डिजीज है कैपिटल ए स्मॉल ए। ओके, बट यहाँ जाएं तो स्मॉल ए है, इट मीन्स यहाँ से एक स्मॉल ए आएगा, एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा, फादर के पास कैपिटल ए पॉसिबल नहीं है, तो मींस ये हमारा फुल चार्ट पॉसिबल है, ऑटोसोमल डोमिनेंट करेक्ट है, बट ऑटोसोमल रिसेसिव रॉन्ग है। एक बार ऑटोसोमल रिसेसिव को भी अप्लाई करके देखते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब क्या है, हमारा कैपिटल ए में डिजीज नहीं है, स्मॉल ए में हमारा डिजीज है, कैपिटल ए में डिजीज नहीं है, स्मॉल ए में डिजीज है। ओके, अब स्मॉल ए में डिजीज है तो ऑब्वियसली ये स्मॉल ए होगा, ये स्मॉल ए होगा। अब यहाँ डिजीज नहीं है तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए होगा या कैपिटल ए होगा, बट कैपिटल ए तो पॉसिबल ही नहीं है, ना मदर में ना फादर में, तो मींस ये यहाँ पे ही इनकरेक्ट हो जाता है, ऑटोसोमल रिसेसिव पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल ए स्मॉल ए या कैपिटल ए होगा, और कैपिटल ए हमारा मदर और फादर से पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो इसका आंसर आता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ अ गिवन डिसऑर्डर इज रिकॉर्डेड इन 3 small families शोन, हमें 3 families शो कर रही है, और इन तीनों फैमिली के लिए कोई एक करेक्टरिस्टिक बताना है जो तीनों पे अप्लाई हो रहा हो, किसी एक पे भी अप्लाई नहीं होगा, हम उसको क्रॉस कर देंगे, उसको कंप्लीट क्रॉस कर देंगे। ओके, तो पहले हम फिल्टर आउट करते हैं अपने ऑप्शंस। एक्स लिंक रिसेसिव का आप जानते हैं कि वो क्या बताता है, मदर सॉन रिलेशनशिप बताता है। ओके, तो मदर सॉन रिलेशनशिप देखते हैं, यहाँ मदर अफेक्टेड है, यस, सॉन अफेक्टेड नहीं है, एक्सलिंग तो बिल्कुल गया, एक्सलिंग रिसेसिव तो हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन आता है हमारा एक्सलिंग डोमिनेंट, इट मींस हमारा फादर अफेक्टेड होंगे एंड डॉटर भी अफेक्टेड होगी, ये फादर अफेक्टेड होंगे, बट यहाँ पे कोई फादर अफेक्टेड नहीं है तो हम इसको नहीं बता सकते, बट यस हम डोमिनेंट को बता सकते हैं। इफ यहाँ पे देखिए तो इस फैमिली में जो फर्स्ट फैमिली है, इस फैमिली में हमारा पेरेंट जो है वो अफेक्टेड नहीं है, बट स्टिल हमारा उनका सॉन अफेक्टेड है। मैंने आपको टिप नंबर फर्स्ट बताया था कि ऐसा कभी नहीं होता डोमिनेंट में कि पेरेंट अफेक्टेड ना हो और सॉन अफेक्टेड हो या डॉटर अफेक्टेड हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इफ पेरेंट अफेक्टेड नहीं है और वो डोमिनेंट ट्रेट है तो सॉन एंड डॉटर कैसे अफेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि पेरेंट के पास हमारा एलील होता यदि वो डोमिनेंट करेक्टर है तो वो करेक्टर हमारा किसके पास जाता, सॉन और डॉटर के पास जाता। तो
इट मींस बी हमारा पॉसिबल नहीं है टिप नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। डी देखें, ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो डोमिनेंट पॉसिबल नहीं है, डोमिनेंट तो किसी भी टाइप का पॉसिबल नहीं है इफ हमारा पेरेंट अफेक्टेड नहीं है और हमारा उनका जो ऑफस्प्रिंग है वो अफेक्टेड है। ये केस हमारा डोमिनेंट होता ही नहीं है, चाहे वो सेक्स लिंक डोमिनेंट हो, चाहे वो एक्स लिंक डोमिनेंट हो, चाहे वो वाई लिंक डोमिनेंट हो, चाहे वो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो। तो ये भी हमारा हो जाता है क्रॉस, हमारा आंसर आता है सी, हमारा आंसर आता है सी। इतना इजी है, इफ आप इन थ्री टिप्स को याद रखें तो आप देख के बता सकते हैं कि ये पेडिग्री क्या है क्या नहीं है। इफ आपको अब भी बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं सी ऑप्शन को तीनों में अप्लाई करूंगी और देखते हैं वो सही होता है या नहीं। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब क्या है, हमारा ऑटोसोम में रिसेसिव में डिजीज होगी और डोमिनेंट में डिजीज नहीं होगी। ओके, तो हमारा इसमें डिजीज नहीं है, इसमें डिजीज नहीं है, तो ये कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये भी कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे बी डिजीज नहीं है तो ये भी हमारा कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे डिजीज है तो ये स्मॉल ए, स्मॉल ए ही होगा। अब ये स्मॉल ए है, एक मदर से स्मॉल ए आना जरूरी है, एक फादर से स्मॉल ए आना जरूरी है, तो हमारा कैपिटल ए वाले ऑप्शन को हम कर देते हैं रॉन्ग। मींस हमारा ये पॉसिबिलिटी है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए हमारे पेरेंट्स होंगे, स्मॉल ए हमारा सॉन आ जाएगा, और डॉटर के लिए हमारा दोनों ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल हो सकती हैं, कैपिटल ए मदर से आ जाए और स्मॉल ए फादर से आ जाए, या कैपिटल ए मदर से आ जाए, कैपिटल ए फादर से आ जाए। तो यस, फर्स्ट पेडिग्री के लिए ये हमारा सी ऑप्शन सही है। अब सी ऑप्शन देखते हैं सेकेंड पेडिग्री के लिए। ओके, इसमें हमारा डिजीज है तो स्मॉल ए होगा, इसमें डिजीज नहीं है तो कैपिटल ए कैपिटल ए दोनों में से कोई सी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे डिजीज नहीं है तो कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ डिजीज है तो स्मॉल ए। अब यहाँ पे एक स्मॉल ए आना है हमारा मदर से, एक फादर से, तो ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ कैपिटल ए स्मॉल ए पॉसिबल है, जो कि हमारा इसके लिए भी पॉसिबल है। तो इट मीन्स हमारा सी ऑप्शन सेकेंड फैमिली के लिए भी सही है। अब थर्ड फैमिली के लिए देखते हैं, यहाँ पे हमारा स्मॉल ए होना जरूरी है, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए या कैपिटल ए कुछ भी हो सकता है, कैपिटल ए कैपिटल ए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक कैपिटल ए हमारा फादर से आ जाएगा बट मदर के पास कैपिटल ए नहीं है, तो कैपिटल ए ऑप्शन को हम क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए पॉसिबल है मदर फादर से, तो यस हमारा सी, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो वैसे तो आप टिप्स से फिल्टर आउट कर सकते हैं, बट इफ आपके पास टाइम हो तो आप एक बार सो चेक कर सकते हैं, बट आपको मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ कि टिप्स से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो आप उसको चेक ना करें, बट इफ फुल पेपर सॉल्व करने के बाद आपको टाइम मिलता है तो आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये भी हमें पेडिग्री गिवन है, इसमें हमारा कुछ कैरियर है हमारे, जो हमारा ये लाइनिंग है जिसमें, और जो कम्प्लीटली हमारा फिल्ड है ब्लैक है तो वो डिजीज है, और जो हमारा फिल्ड नहीं है वो डिजीज नहीं है। अब कैरियर है तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे डोमिनेंट नहीं होगा, क्योंकि डोमिनेंट कभी कैरियर शो नहीं करता, डोमिनेंट में यदि आया है तो वो कैरियर नहीं होगा, वो डिजीज ही होगा। तो डोमिनेंट कभी कैरियर शो नहीं करता है, तो ऑब्वियसली ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्सलिंग डोमिनेंट तो गए, क्योंकि यदि डोमिनेंट है, यदि एक फुल पेडिग्री डोमिनेंट वाला है, चाहे वो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो चाहे वो एक्सलिंग डोमिनेंट हो, तो डोमिनेंट आने की वजह से वो कैरियर क्यों बना, वो डिजीज भी तो बन सकता था, इसलिए डोमिनेंट तो यहाँ पे अपने आप ही रॉन्ग हो जाते हैं, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अब एक्सलिंग रिसेसिव एंड ऑटोसोमल रिसेसिव चेक करने हैं। पहले एक्सलिंग रिसेसिव के लिए हम अपना फंडा अप्लाई करते हैं, एक्सलिंग रिसेसिव मतलब मदर सॉन रिलेशनशिप, मदर अफेक्टेड है तो सॉन भी अफेक्टेड होगा, बट यहाँ मदर ही अफेक्टेड नहीं है तो हमें दोनों ही अप्लाई करके देखने पड़ेंगे। पहले अप्लाई करते हैं एक्सलिंग रिसेसिव का मतलब है हमारा एक्स में हमारा डिजीज है और वो भी हमारा रिसेसिव स्टेट में है। ओके, अब ये हमारा कैरियर शो कर रहा है, इट मीन्स इसके पास एक में डिजीज है एक में नहीं है। ओके, ये हमारा एक्स वाई होगा क्योंकि इसमें डिजीज नहीं है, यदि हमारा एक्स पे हमारा ट्रेट होता तो ये ऑब्वियसली डिजीज वाला होता। अब इससे हमारा जो इसकी डॉटर है कैरियर वो पॉसिबल है, यस वो पॉसिबल है, क्योंकि एक एक्स आ जाएगा उसका फादर से, जो डिजीज वाला है वो आ जाएगा मदर से, जो नॉर्मल है वो आ जाएगा फादर से। सॉन जो है इसका वो होगा हमारा एक्स वाई, नॉर्मल है
तो वो पॉसिबल है, क्योंकि जो नॉर्मल एक्स है वो आ जाएगा मदर से और जो वाई है वो आ जाएगा फादर से. डॉटर, नॉर्मल डॉटर पॉसिबल है क्योंकि एक नॉर्मल एक्स आ जाएगा मदर से और नॉर्मल एक्स आ जाएगा फादर से. फिर यहाँ पे एक सॉन है जिसमें डिजीज है, वो भी पॉसिबल है. डिजीज वाला एक्स आ जाएगा मदर से और वाई आ जाएगा फादर से. यहाँ तक बिल्कुल सही है. फिर आता है हमारा नेक्स्ट जनरेशन में, तो हमारा ये जो अफेक्ट, जो हमारा कैरियर डॉटर है उसकी मेटिंग हुआ एक नॉर्मल मेल से. नॉर्मल मेल है हमारा, तो ये नॉर्मल डॉटर पॉसिबल है. यस, नॉर्मल डॉटर पॉसिबल है. नॉर्मल डॉटर है, एक्स एक्स होगी, तो एक एक्स आ जाएगा मदर से, एक एक्स आ जाएगा मदर के पास नॉर्मल एक्स भी है, कैरियर वाला एक्स भी है, तो एक एक्स आ जाएगा मदर से, एक आ जाएगा फादर से. सही है. एक्स वाई, मदर से हमारा नॉर्मल एक्स आ जाएगा, फादर से वाई आ जाएगा. ये हमारी कैरियर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है. क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि अफेक्टेड ट्रेट वाला एक्स आ जाएगा मदर से और हमारा जो नॉर्मल, और जो हमारा नॉर्मल एक्स है वो आ जाएगा फादर से. और हमारा ये एक्स वाई है, वाई आ जाएगा फादर से, नॉर्मल एक्स आ जाएगा मदर से. सब कुछ पॉसिबल है. अब यदि हम सेकेंड वाला देखें, इनका दूसरा फैमिली देखें, तो ये हमारा नॉर्मल फीमेल शादी हुई, नॉर्मल फीमेल एक्स एक्स थी हमारी, तो हमारा ये हमारा एक्स एक्स होगी जिसमें एक कैरियर होगा, ये कैरियर है, तो हमारा एक, तो हमारा कैरियर वाला आ जाएगा फादर से और नॉर्मल वाला आ जाएगा मदर से. ये हमारा होगा एक्स वाई, वाई आ जाएगा फादर से, नॉर्मल एक्स आ जाएगा मदर से, मदर के पास नॉर्मल एक्स है. ये होगी हमारी एक्स एक्स डैश. यस, हमारा एक हमारा मदर से आ जाएगा नॉर्मल एक्स और कैरियर वाला एक्स फादर से आ जाएगा. ये हमारा एक्स वाई होगी नॉर्मल, नॉर्मल मदर से आ जाएगा और नॉर्मली वाई फादर से आ जाएगा. मीन्स एक्स लिंक रिसेसिव तो हमारा फुल पॉसिबल है. सारे फादर मदर ऑफस्प्रिंग सब कुछ पॉसिबल है. अब चेक करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव. ऑटोसोमल रिसेसिव मीन्स क्या है? हमारा जो हमारा ऑटोसोमल है उसमें डिजीज, जो हमारा डोमिनेंट है उसमें डिजीज नहीं है. जो हमारा ऑटोसोमल का डोमिनेंट है उसमें डिजीज नहीं है, बट जो ऑटोसोमल का हमारा स्मॉल है, रिसेसिव वाला है, उसमें डिजीज है. ओके, तो ये हमारा कैरियर शो कर रहा है. कैरियर का मतलब क्या है हमारा, कि इसके पास हमारा कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए है, एक डिजीज वाला है और एक कैपिटल ए है. इसके पास डिजीज शो नहीं कर रहा है, इट मीन्स कैपिटल ए है. इन्होंने, इनसे एक डॉटर हुई और डॉटर जो है वो कैरियर है. कैरियर डॉटर पॉसिबल है क्योंकि हमारा स्मॉल ए आ जाएगा हमारा मदर से एंड कैपिटल ए आ जाएगा फादर से. एक नॉर्मल सॉन हुआ, नॉर्मल सॉन मतलब कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए मदर से, कैपिटल ए फादर से. नॉर्मल डॉटर है, कैपिटल ए पॉसिबल है. और जो इनका सॉन है वो हमारा डिजीज है, मीन्स स्मॉल ए. अब एक स्मॉल ए तो हमारा मदर से आ जाएगा, बट स्मॉल ए फादर से कैसे आए? फादर के पास स्मॉल ए है ही नहीं, फादर तो कैरियर है ही नहीं. तो इट मीन्स हमारा ये ऑटोसोमल रिसेसिव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो इंडिविजुअल है इसने शो करा है स्मॉल ए, और हमारा स्मॉल ए मदर से तो आ सकता है, फादर से नहीं आ सकता. तो हमारा ये ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं है, ये हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव है. तो ये होता है पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका. हम सबसे पहले अपने 3 टिप्स के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को फिल्टर आउट कर लेते हैं, अपने ऑप्शंस को फिल्टर आउट कर लेते हैं. मैंने हमेशा बताया, हमेशा हमारा या तो हमारे 2 ऑप्शन बचेंगे लास्ट में या एक बचेगा. एक बचेगा तो आप उसको टिक लगाइए, बिल्कुल मत देखिए, बिल्कुल चेक मत कीजिए. बट इफ आपके 2 बचते हैं तो आप चेक कीजिए और ईजी तरीके से बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. और टिप्स क्या है? फर्स्ट टिप है हमारा कि इफ हमारा डोमिनेंट है हमारा करेक्टरिस्टिक, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पेरेंट अफेक्टेड ना हो और इंडिविजुअल अफेक्टेड हो. कभी नहीं होगा. पेरेंट अफेक्टेड होंगे जब भी इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा, चाहे वो डोमिनेंट सेक्स लिंक है, चाहे वो डोमिनेंट एक्स लिंक है, चाहे वाई लिंक है, चाहे वो हमारा डोमिनेंट क्या है. डोमिनेंट हमारा ऑटोसोमल है. सेकेंड टिप है हमारा कि यदि हमारा एक्स लिंक रिसेसिव होगा तो हम मदर और सॉन की रिलेशनशिप चेक करते हैं. मदर अफेक्टेड है तो सॉन भी अफेक्टेड होगा ही होगा. ऐसा हो ही नहीं सकता कि मदर अफेक्टेड है और सॉन अफेक्टेड ना हो. इफ हमारा आता है एक्स लिंक डोमिनेंट तो हम चेक करते हैं हमारा फादर डॉटर की रिलेशनशिप. फादर अफेक्टेड है तो डॉटर अफेक्टेड होगी ही होगी. ऐसा कभी नहीं होगा कि फादर अफेक्टेड हो और डॉटर अफेक्टेड ना हो. तो ये हमारी टिप्स है जिनके थ्रू हम चेक करते हैं. आई होप सो कि आपको इन टिप्स के थ्रू बहुत ईजी क्वेश्चन सॉल्व हो और इन टिप्स को आप माइंड में रख के जाइएगा. बहुत स्मॉल सी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जिनके थ्रू आप बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, मीन्स बहुत ईजी. ये मेरी गारंटी है आपसे. सो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है. इफ आप इन 2 वीडियोस को कवर कर लेते हैं तो आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाते हैं CSIR NET JRF 2021 में. सो बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.